ये देखो टेस्ट करके देखे क्या, एक नंबर। तो भाई यहाँ पर अभी तुरंत काफ़ी तेज़ आंधी तूफान आया और काफ़ी बारिश हुई, तो यहाँ पे काफ़ी मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ पे पीछे भूसा भरा हुआ है जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था, ये यहाँ पे भूसा जहाँ पे भरा है तो ये टीन गया है बगड़, यानी कि उड़ गया था हवा में ये सब, ये देखें कैसे हो गया। तो अभी इसको हम पहले सुधारते हैं, उसके बाद और दिखाते हैं यहाँ पर कैसा बारिश में सब हो गया है। और वहाँ पर भी गेट के पास टीन गिर गया है, यहाँ पे ऐसे भूसा भरा हुआ। पर मैंने अच्छे से सब रख दिया है और यहाँ पे भूसा भर रहा है और यहाँ पानी भी गया था थोड़ा। और वैसे ये घर नहीं है मेरा, कुटिया हमारी है। घर नहीं है ये तो कुटिया हमारी है, चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको बाहर का सीन कि बारिश में कैसा बाहर का सीन हो गया। और काफ़ी यहाँ गांव में बारिश होती है तो काफ़ी कीचड़ काफ़ी पानी भर जाता है चारों तरफ रोड के, तो भी दिखाते हैं चलकर बाहर। और यहाँ पे गेट के पास वाला भी वो टीना गिर गया है, यानी कि गेट बंद हो गया है। दोस्तों देखा जैसा कि यहाँ पे बारिश में ज़्यादा ही जो गांव में इफ़ेक्ट पड़ता है वो ज़्यादातर बारिश में ही पड़ता है, कचरा हो जाता है यहाँ पे, ज़्यादा पानी भर जाता है और जो आंधी वगैरह आ जाती है तेज़ हवा चल जाती है तो पेड़ जैसे देखा आपने पीछे वो पेड़ वगैरह ये सब पलट जाते हैं और बहुत अजीब हो जाता है यहाँ पर जब बारिश हो जाती है। और उसके बाद फिर जब इस तरह धूप खुलती है तो बहुत अच्छा लगता है, देखिए यहाँ पर बारिश होने के बाद कितना अच्छा है, धूप लग रही है तो बहुत अच्छी हवा चल रही है और काफ़ी अच्छा धूप भी लग रहा है। तो वही चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर जब काफ़ी तेज़ हवा चलती है और इस टाइम में जब यानी कि अंबिया आम का सीज़न रहता है तो यहाँ पे बच्चे लोग बहुत आ जाते हैं अंबिया बिनने। देखो यहाँ पे झिल्ली में काफ़ी लिए हुए हैं और यहाँ पे अंबिया बिन रहे हैं। और ये देखो इनका नाम है अर्पित। और यहाँ पर इस समय छोटी छोटी अंबिया भी लग गई हैं पेड़ों में, काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पास में चलकर दिखाता हूँ। और यहाँ पे काफ़ी ढेला चला के लोग अंबिया तोड़ भी रहे हैं, जबकि काफ़ी हवाएं और ऐसे भी काफ़ी गिरी हुई हैं। ये देखो यहाँ पर कैसे पत्थर मार मार के कैसे। तो भाई अपने यहाँ तो कम ही बारिश हुई और मैं आपको दिखाता हूँ दया शंकर जी को जो लखनऊ में इस समय प्रेजेंट टाइम है और उनके यहाँ इतने ओले गिरे हैं और इतनी बारिश हुई है, तो देखिए उनका भी थोड़ा सा सीन यहाँ पे। ये देखो टेस्ट करके देखे क्या, एक नंबर। ये देखो कितनी तेज आंधी आ गई भाई साहब। भाई मैं तो कह ही रहा था भगवान नाराज है लग रहा है मुझे। ये देखो इधर, ये देखो सब छोटे छोटे लाइन लग गई। अब वो सबसे बड़ा वहां पे पड़ा, ये देखो इतना बड़ा बड़ा गिरा है, एकदम डरा ही दिया भगवान ने। मैं रूम में बैठा था खाना खाने जा रहा था तब तक बाहर से आवाज आने लगी एकदम तेज तेज, हमने कहा ये क्या हो गया।
तो भाई अभी हम आ गए हैं अपने यहाँ का सारा वीडियो जो मुझसे हो सका वो शूट किया और उसके बाद आ गए हैं अपने घर की छत के ऊपर। तो देखा आपने अभी गांव में बारिश होती है या काफ़ी तेज़ तूफान आता है आंधी आती तो किस तरह से हो जाता है, या किसी का छप्पर गिर जाता है तो कहीं पर पेड़ उलट जाते हैं। तो भाई जितना मुझसे हो सका और मैंने वो आपको यहाँ का सीन दिखा दिया, काफ़ी बारिश हुई, काफ़ी आंधी तूफान आया, काफ़ी लोगों के छप्पर वगैरह सब गिर गए थे, तो जो हो सका मैंने वो आपको इस वीडियो में दिखा दिया। तो इस वीडियो में इतना है, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, देखा आपने लखनऊ में जो दयाशंकर वीडियो मैंने दिखाया वहाँ पे काफ़ी बारिश हुई और काफ़ी ओले भी गिरे, काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ। तो इस वीडियो में इतना है, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मुझे ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि हमारे चैनल पर पहली बार हो तो नीचे दिया गया रेड कलर का बटन उसे दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।